इधर ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर स्थापित होने वाली आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को परशुराम सेना ने ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ संभागायुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। दरअसल ब्राह्मण समाज की मांग है कि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना ओंकार पर्वत की बजाय नर्मदा नदी के घाट पर की जाए, क्योंकि ओंकार पर्वत स्वयं भगवान शंकर का रूप है। श्रद्धालु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, नर्मदा नदी पर्वत के दोनों ओर से अभिषेक करती है, लेकिन राज्य सरकार पर्वत पर पर्यटक स्थल का निर्माण कर रही है, जिसकी वजह से हजारों पेड़ को काटा जाएगा। इसके अलावा पर्वत पर कई जंगली जानवरों का भी बसेरा है, जो उजड़ जाएगा। ये प्रार्थना की गई है उस ज्ञापन के माध्यम से कि जो ओंकारेश्वर पर्वत को पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है और वहाँ पर आदि शंकराचार्य भगवान की मूर्ति स्थापित की जा रही है, तो मूर्ति का कोई भी विरोध नहीं है। मूर्ति पर्वत पे ना करके घाट पे की जाए, और ओंकारेश्वर साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का रूप है, इसलिए भोलेनाथ जी के ऊपर किसी की प्रकार की अव्यवस्था और पर्यटक स्थल नहीं बनाना चाहिए। तो ये जो पर्वत है, ये सब पूजनीय स्थल है। उन पूजनीय स्थलों को अगर हम समापन करेंगे तो हिंदू भावना कहीं ना कहीं पे आहत होगी। उसी के स्वरूप में आज हमने परशुराम सेना के नेतृत्व में कि उस पर्वत को, उस शिवलिंग को आप समापन न करें, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें। वहाँ सैकड़ों बंदर हैं, वहाँ करीब 2500 वृक्ष उन्होंने काट दिए हैं और 2500 से ज़्यादा वृक्ष वहाँ काटने की तैयारी की जा रही है। मंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि ओंकारेश्वर में जो ओंकार पर्वत है उसको यथावत रखें। तो ये ज्ञापन हम जैसा जिस भावना से उन्होंने दिया गया, हम अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित कर देंगे।